नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, में कीर्ति लेकर हाजिर उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट की बैठक शुरू। केसीएन चंद्रशेखर का 69 साल की उम्र में निधन। सेंसेक्स 18 अंक की बढ़त के साथ खुला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। यूपी में मॉनसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। रियायत से लखनऊ पहुंचे यात्रियों के पास मिला सोना। सोने की कुल कीमत 1,17,00,000 रुपए। यूपी के बिजनौर का रहने वाला है फैजान। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से पहुंचा था लखनऊ। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कस्टम के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, कस्टम अधिकारियों की बड़ी सफलता हाथ लगी है। एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। सोने की बड़ी खेप को बरामद किया है। रियायत से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास ये सोने की खेप मिली है, जिसकी कुल कीमत 1,17,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो यूपी के बिजनौर का रहने वाला है फैजान, जिसके पास से ये सोना मिला है। कस्टम के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को मिली सोने की बड़ी खेप। सोने की कुल कीमत 1,17,00,000 रुपए बताई जा रही है। फैजान नाम का युवक है, जिसके पास ये सोने की खेप बरामद हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, 1 करोड़ से अधिक का सोना बरामद हुआ है। बता दें, कस्टम एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी ने जब चेकिंग की, तो उसके बाद ये सोने की बड़ी खेप बरामद हुई है। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से मिला। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। रियायत से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला सोना। सोने की कुल कीमत 1,17,00,000 रुपए बताई जा रही है। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता शिवा जुड़ के, शिवा क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खेप बरामद हुई है? बिल्कुल कीर्ति, ये भोर सुबह ये जो फ्लाइट है वो रियाद से लखनऊ पहुंची थी, और फैजान नाम का जो युवक है, जो बिजनौर जिले का रहने वाला है, उसके पास से तकरीबन 2 किलो 33 ग्राम का जो सोना है वो बरामद हुआ है। कस्टम विभाग के द्वारा कीमत तकरीबन 1,17,56,400 रुपए बताई जा रही है। फैजान नाम से युवक पूछताछ जो है कस्टम के अधिकारी लगातार कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सोना लाया था और किसकी मदद से लाया था। हालांकि फैजान के साथ कुछ और लोग के होने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है, और इसी के चलते कस्टम विभाग अभी फैजान से पूछताछ कर रहा है। अभी तक फिलहाल कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है कि किस तरह की क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले पर। देखिए, चूंकि कस्टम विभाग की जवाबदेही होती है किसी भी एयरपोर्ट पर, और कस्टम विभाग के अधिकारी इसीलिए एयरपोर्ट पर तैनात किए जाते हैं ताकि अगर अवैध रूप से किसी भी तरीके की जो सोना है या किसी भी तरीके का सामान है अगर अवैध रूप से लाया जाता है तो उसकी धरपकड़ की जा सके। और उसी के क्रम में ये पूरी जो बताओ है, जो सोने की बरामदगी हुई है, ये कस्टम विभाग के अधिकारियों ने की है। फिलहाल जो सोना है उसको कस्टम विभाग ने सीज कर दिया है और फैजान से पूछताछ कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फैजान के साथ भी पूछताछ जारी है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ और भी लोगों के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर कस्टम विभाग फैजान से इस वक्त पूछताछ कर रहा है। तो वहीं अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोप अयोध्या के पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने लगाए हैं। इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी कर कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उनकी कीमत खुले बाजार से काफी कम है। दरअसल रविवार को पवन पांडे ने 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 1850 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ है। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी से और रवि मोहन तिवारी को बेचा है, उसी को ट्रस्ट ने 18,50,000 रुपए में खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ कैसे बढ़ गई? ये बैनामा और रजिस्टर एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो चंदे के नाम पर दुरुपयोग चंदे का किया जा रहा है वो अधर्म और पाप है, लोगों की आस्था का अपमान हो रहा है, लोगों ने भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया था, आस्था और भक्ति के चलते चढ़ावा चढ़ाया गया था। साथ ही इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें, अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जाँच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने वो जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो सर ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है, जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जाँच करना अलग है, लेकिन पहले जाँच होने दीजिए। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी। शव मिलने से सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस अधेड़ का शव मिला है, हत्या है कि आत्महत्या है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस जांच जो है वो अभी इसके पूरे दायरे में है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के दीदारगंज थाना में भारी बारिश के चलते मिट्टी का घर एकाएक गिर गया। हादसे में एक महिला और एक भैंस दबकर घायल हो गए। महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहसील क्षेत्र के गांव में भारी बरसात से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो भारी बारिश के चलते घर गिरा, लोगों का जीवन भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो जाता है। भारी बारिश एक तरह से त्रासदी लेकर आती है, क्योंकि इस तरह से जब आफत आती है तो लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। घर गिर गया है एक गरीब का, आजमगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले शहर में गोलीकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दी कि 2 दिन पहले बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मनोज बड़ा हिस्ट्री शीटर है और लंबे समय से आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहा। शाम करीब 8:30 बजे एक सूचना मिली कि मोहल्ला छपट्टी के अंतर्गत फायरिंग हुई और इसमें एक युवक घायल हुआ जो जिला अस्पताल मैनपुरी में है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पर भी पहुंचे और मजरूह को भी देखा गया, उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां से स्थिति उसकी अच्छी है वापस आ चुका है। उसके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियुक्त किया गया और उसके द्वारा ही बताया गया कि इसमें 3 अभियुक्त थे जिनसे मेरा पूर्व का विवाद था, इसी विवाद के चलते उन लोगों ने मुझ पर जाना।
ताजनगरी आगरा में आजाद समाज पार्टी के द्वारा दक्षिण विधानसभा के युवा नेता जावेद कुरैशी के नेतृत्व में बैठक की। बैठक में सरकार की कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव की तैयारी में जुटे युवा नेता जावेद कुरैशी सरकार की गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। वहीं रविवार को वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद दक्षिण विधानसभा के युवा नेता जावेद कुरैशी ने चुनावी प्रचार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस इकट्ठा हुए लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, और जिन्होंने मास्क लगाया है तो वो भी उनका मास्क भी नीचे है, मुंह पे कहीं पे नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कोरोना के समय में जहां एक और लोग कोरोना महामारी से परेशान है, वहीं चुनाव आते ही नेता जावेद कुरैशी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, जिसके चलते ये बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। प्रतापगढ़ में पत्रकार की मौत हो गई। उन्होंने कई बार शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें बनाई और वो खबरें काफी चर्चा में भी रही। वहीं रविवार को रात प्रतापगढ़ के कटरा इलाके से पुलिस की एक खबर को कवरेज करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी बाइक खंभे और हैंडपंप से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वहां पर मौजूद मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी, घायल हालत में हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद प्रतापगढ़ पत्रकारों में शोक की लहर है, तो वहीं परिवार में इस घटना के बाद मातम छा गया है। बता दें कि इससे पहले पत्रकार ने बकायदा एक लेटर के जरिए एडीजी जोन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और दूसरे दिन ऐसी घटना सामने आई। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर मृतक की पत्नी और एसएसपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने लिखा था और मुझे भी उन्होंने दिखाया था अपने मोबाइल में कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था। सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था क्योंकि उनके कुछ लोग पीछे पड़े थे। अच्छा, तो उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली, शराब माफिया की, उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था कि रहने दीजिए मत बनाइए, लेकिन वो माने नहीं और उनको यूज किया गया है। और कुछ उसके पहले आपसे बताए हैं ऐसी बात नहीं, बस जब खबर चली थी सबसे पहले तभी उन्होंने हमसे बताया था, हम लोगों से कि ऐसे ऐसे खबर चलाए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हैं, तो इसीलिए अब हम ये एप्लीकेशन देख के अपनी सुविधा के लिए गलत चाहते हैं। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10:11 के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं, वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टेक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों। ताजनगरी आगरा के निबोरा इलाके के रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा खेलते वक्त 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण बच्चे को रस्सी की सहायता से निकालने में जुट गए। सफलता न मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 घंटों से बच्चा बोरवेल में फंसा है। फिलहाल इसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद आर्मी की भी मदद मांगी गई। साथ ही गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस मौके पर है ताकि हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ आगरा ब्यूरो अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बचाव कार्य है वो किस हद तक पूरा किया गया है, क्या अभी कोई बच्चे के बाहर निकलने की इस प्रकार की कोई सूचना मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जो ये घटना जो हुई है सुबह 7:40 की है। एक छोटे लाल है जो निवोरा थाना क्षेत्र के अंदर धरियाई गांव में वहां के रहने वाले हैं और उनके घर के सामने ही एक बोरवेल बना हुआ था जो काफी समय से खराब था और उसके बाद में उन्होंने एक नया बोरवेल बनवाया था। तो खराब जो बोरवेल था उसमें से इन्होंने अपने पाइप निकलवाने के बाद नए बोरवेल में लगा दिए और इनसे सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया, जो जिस गड्ढे से इन्होंने पाइप निकलवाए थे उसको इन्होंने किस कारण से बंद किया था।
तो सुबह 7:40 के आसपास का समय रहा होगा जब ये बच्चा 4 साल का मासूम सिवा वहां घूम रहा था, खेल रहा था, तो अचानक ही ये उस बोरवेल में चला जाता है। उसके बाद यहाँ जो है करीब 1 घंटे तक वो बच्चे को रस्सी से निकालने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि बच्चे को रस्सी के माध्यम से नहीं निकालेंगे, उसके बाद ये स्थानीय थाने पर अपनी सूचना देते हैं, और स्थानीय थाने पर सूचना देने के बाद में वहाँ का जो फोर्स आता है, और लगभग 3 घंटे का समय गुजर जाने के बाद 10:30 बजे तक भी आर्मी और एनडीआरएफ की टीम को सूचना की जाती है। उसके बाद वहाँ आर्मी का पहुंचना, सेना के जवान वहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंचती है, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लगातार 6 घंटे बीत जाने के बाद में भी अभी केवल शुरुआती दौर की, आप ये मान के चले कि केवल शुरुआती दौर की प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है, अभी कहा जा सकता है कि कितने समय में बच्चे को बाहर निकालने में सफलता हासिल हो पाएगी। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही है अमित, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोरवेल काफी समय से खुला हुआ था और इस पर लगातार ये आशंका जताई जा रही थी, और इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। और हालांकि इस वक्त बच्चे की क्या स्थिति है उसको, क्योंकि आप बता रहे 6 घंटे हो गए, तो बच्चे की किस प्रकार की स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी लगातार मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की ये घटना जो आगरा हुई है, इससे पहले भी आगरा में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, और हमारा आगरा का जो थाना सैया पड़ता है वहां भी एक 4 साल की मासूम बच्ची साधना जो थी वो भी बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन सेना के और प्रशासन के प्रयासों के द्वारा उसको जीवित निकाल लिया गया था। वहीं दूसरी घटना एक मरीजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, वहां एक मासूम बच्चा सोनू नाम का जो उसे गिरा था बोरवेल में, उसको भी सेना और प्रशासन के द्वारा कई बार प्रयास किए गए थे लगातार, लेकिन वहां सफलता हासिल नहीं हुई थी, तो बच्चे की मौत हो गई थी। तो ये घटनाएं ऐसी लापरवाही वाली घटनाएं हैं जो लगातार सामने आती हैं, फिर भी ग्रामीण जो है इससे सबक नहीं लेते हैं। अगर ये छोटे लाल जिनका जो बच्चा है उन्हीं का बोरवेल था, अगर ये सही समय पर उस गड्ढे से पाइप निकलवाने के बाद में अगर उसे बंद करा देते या पत्थर रख के उसको ढक देते, किसी भारी सामान से बंद कर देते, तो ऐसी यानी जो मतलब बड़ी घटना जो हुई है, बच्चा जो आज 4 साल का सिवा जो है अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो ये घटना सामने नहीं आ पाती। जी कहीं ना कहीं लापरवाही तो पड़ती है जिसके चलते ये हादसा हुआ है, लेकिन बच्चे को खाना पीना भी कुछ मुहैया कराया गया है, उसको बच्चे को लेकर किस तरह से उसके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सेना और स्वास्थ्य कर्मी वहां पहुंच के स्वास्थ्य की जो टीम है वहां लगातार बच्चे को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड करा रही है। मैं आपको बता दूं बच्चा जो है वो 150 फीट नीचे गड्ढे में है, और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है, और लगातार मानी चलिए कि 4 घंटे के बाद बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाई है, और 4 घंटे के बाद से उस बच्चे को ऑक्सीजन जो मिल गया है, उसके बाद खाने पीने का सामान जो बच्चा है उसको थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में अभी देने के लिए मना कर दिया गया है उसको, और जो बच्चा है वो सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो अपने कैमरे के माध्यम से लगातार उस बच्चे पे स्थिति बनाए हुए हैं, और बोरवेल के अंदर एक कैमरा उन्होंने लगाया हुआ है जिससे बच्चे की स्थिति लगातार देख रहे हैं, और उनका सेना के जवान का लगातार प्रयास ये है कि अंदर उन्होंने कैमरा जो लगाया हुआ है उसके माध्यम से वो उसके परिजन से बात करा रहे हैं ताकि बच्चा बोलता रहे, चलता रहे, ताकि उस बच्चे को मतलब जो किसी स्थिति में ना जाए, दूसरी स्थिति में ना जाए। बिल्कुल, मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी बन जाती है ऐसे वक्त में, जब बच्चा 3 साल का हो और 150 फीट नीचे बोरवेल में हो, तो लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही साथ पुलिस के कई लोग वहां पर मौजूद है, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की हर जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन सवाल है कि लापरवाही का सवाल है जिसके चलते ये बड़ी घटना इस वक्त हुई है। वहीं बढ़ते हैं आगरा आगे, और रायबरेली से दिल्ली को झंझोड़ने वाली वारदात सामने आई है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ किशोर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, और घटना को अंजाम देकर किशोर मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मामला दर्ज कर फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। थाना ऊंचाहार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई हुई थी, जहां उसके साथ एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो बाल अपराधी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष। बुलंदशहर के थाना ककोर में संदिग्ध पत्नी का शव मिला, शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी हरपाल सिंह के घर मृतक का शव मिला था। घटना को अंजाम देकर हरपाल सिंह गांव से फरार हो गया। आरोपी हरपाल सिंह दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर है। 10 महीने पहले उधार लिए पैसों के लेन देन का मामला सामने आया है।
वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जांच में पुलिस जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 8:30 बजे हम लोगों ने उनको जो हरपाल सिंह जो फरार हैं उनकी गाड़ी में देखा और 2:30 बजे हमें सूचना मिली उनके घर पर वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। कुछ पैसे का लेन देन था जो 10 महीने से था, इन्होंने लेके किसी को दिए थे और अब गए तो ठीक ठाक थे, हमने भी सुबह देखा है और हमें सिर्फ मौके पे पहुंचने पे पता चला है कि वो उनके हरपाल सिंह घर पे उनको छोड़ के मृत अवस्था में फरार है, भाग गए। तो वहाँ क्या करके वहाँ जिस हालत में पड़े हुए हमने तो सबसे पहले यही देखा था कि पहुंच के वहाँ उनकी जान नहीं थी उनकी बॉडी में और ये कहा जा रहा है कि दारू दूरू में कुछ मिला के और उनको आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद में दबंग एक पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से दूसरे पक्ष के घर को लौट रहे लोगों पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं मृतक के भाई ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना की जांच के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मंगवाकर अभियुक्त के अवैध निर्माण को दबा दिया। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि जिस किसी ने भी अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने का निर्माण कराया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसके अलावा माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध जनपद में की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज एक शातिर अपराधी के द्वारा अवैध रूप से की गई भूमि पर कब्जा और उसका पोल्ट्री फार्म बनाने के उपरांत उसे नपवाकर ढाया गया है। जीसीबी से उसका दृष्टिकरण कराया गया, निस्तारित किया गया है और पहले भी जो बड़े अपराधी यहाँ के हैं उनके जो अवैध कब्जे थे उन्हें निस्तारित किया गया था। इस अपराधी द्वारा अभी परसों थाना महीनगर के रामपुर में एक हत्या की गई थी और इसके जो इसके द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसकी नपाई का कार्य पहले से चल रहा था, उसे आज ध्वस्त किया गया है और भविष्य में जो भी आजमगढ़ पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, 32 बोर और 1 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।